आते जितनी खूबसूरती हमने देखी है यहाँ पे, मुझे लगता है लोगों को यकीन नहीं आएगा कि ये सब पाकिस्तान है। वो कह रहे होंगे हमने चीट किया और ये एक्चुअली थाईलैंड के शॉर्ट लगा दिए है ना। पानी सही कह रहे हैं आप, आई मीन नॉर्मली सबकी परसेप्शन यही होती है कि यार पानी बहुत गंदा है, कुछ नज़र नहीं आएगा, पता नहीं क्या कचरा होगा। हाँ। बट सबको बाहर निकलना चाहिए और देखना चाहिए यार आपके पास कितनी खूबसूरती पड़ी है। एग्जैक्टली, आई मीन एक तो अबव द ग्राउंड इतनी हसीन दुनिया है, एंड अंडर वाटर व्हेन यू सी थिंग्स यू रियली अप्रिशिएट नेचर एंड अल्लाह ताला की जितनी नेमतें और हुसन है इस दुनिया में, वो आपको सही उसकी कदर होने लगती है। आप लोगों ने सिर्फ टीवी पे देखा है, जब आप रियल लाइफ में देखते हो ना, इट्स जस्ट एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। एंड एक और चीज़ भी वैसे लोगों को करनी चाहिए, नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हम पिकनिक स्पॉट्स वगैरह पे जाते हैं, स्टैंड्स पे, टॉक्स पे, इधर उधर कचरा बहुत नज़र आता है। सो आई मीन अंडर वाटर भी जो अंडर वाटर डेफिनेटली वो सारा जो है उस समंदर के अंदर आगे चला जाता है और उसके अंदर मछलियाँ और दूसरे जानवर जो है वो फंस के उसमें वहाँ मर भी जाते हैं। यू नो इस तरह ये मछलियाँ और जानवर आप सोचते हैं क्या 10 मछलियाँ मर गई या फिर 5 मछली, क्या नुकसान होगा उससे, बट लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि इस तरह एक पूरा जो इकोसिस्टम बना हुआ है, एक साइकिल बनी हुई है नेचर की, उसमें चीज़ें जब ख़त्म होने लगें तो फिर सारा कुछ बर्बाद हो सकता है। और ये जो आप रीफ देख रहे थे ना अंडर वाटर, जो पत्थर थे खूबसूरत से, वो रॉक्स वगैरह थे, इनको कई कई साल लग जाते हैं बनने में, और ये आप एक दफ़ा उनको ठोकर मार के तोड़ दें या आप कोई उसमें से चीज़ उठा के और अपने घर ले आएँ। और अगर आप में से कुछ लोग जो डाइविंग सीखेंगे और अंडर वाटर जाएंगे, आपका बड़ा दिल जाएगा इतनी खूबसूरत चीज़ें कुछ उठाएँ और जेब में रखें और वापस घर में जाके डेकोरेशन के पीस के तौर पे सजा दें, लेकिन आप रियलाइज़ नहीं करते हैं कि कई कई साल लग जाते हैं उस खूबसूरत सी चीज़ को बनने में, और आपने एक उसमें जब उसको उड़ा दिया तो टेक एजेस। सो दैट इज़ वन अदर एस्पेक्ट ऑफ डाइविंग, एक तो उसके अंदर एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस है, समथिंग फन टू डू इन कराची, एंड व्हेनेवर यू कम टू कराची, दोज़ ऑफ यू हु डोंट लिव देयर, दिस इज़ अनदर थिंग यू कैन डू, एंड एक इनरिचिंग एक्सपीरियंस है, एक आपको खुदा की नेमतों का और ब्यूटी का अंदाज़ा होता है। एंड देन दिस थर्ड थिंग इज़ कि हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, absolutely, and on that note, thank you so much Atif for your time and the lovely experience. Thank you. We are going to head back to the studio, lekin please is experience ko agar aapne dekha aaj ka program to bhuliyega nahi, do take it up, because main aapko bata sakti hu ki mujhe 2-3 saal 4 saal ho gaye so karte hue, meri zindagi bahut enrich hui hai, bahut change hui hai diving seekh ke. Indus Scuba Karachi mein hai, सर्टिफाइड पैडी डाइवर्स हैं, ऑफिशियल हैं, तहफ़्फ़ुज़ का बहुत ख्याल रखते हैं, एंड दे गारंटी कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ही हसीन और अनफॉरगेटेबल होगा। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, लेट्स हेड बैक टू द स्टूडियो।